अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेरे भाई और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई इनामुल्ला कोहिस्तानी। आज मैं आप लोगों को इस हवाले से बताऊँगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे तलाश करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को वही बात बताता हूँ जो मैं अपने लाइफ में और जो मुझे मिले हैं स्टूडेंट कैसे मिले हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँ। वो लोग इतने लोग होते हैं कि वो जो है ना बिल्कुल किसी को बताते नहीं है, ठीक है। मेरे पास आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को वही शो करता हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। देखो, इसका टाइम भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को टाइम ज़ाय करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्काइप वगैरह से आप लोग इसको ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट को, और दूसरा ये कि फेसबुक से भी और व्हाट्सएप से भी, हर चीज़ से आप लोग जो है ना स्टूडेंट को तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप जो है स्काइप के ज़रिए स्टूडेंट को कैसे तलाश कर सकते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ, आप कोई सा भी नाम लिख लो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इधर मुदस्सिर, बस सिर, ठीक है। ये मुदस्सिर के नाम के जितने भी लोग होंगे इसमें आपको ऐड होंगे, इधर नज़र आएंगे। तो फिर आपने बेसिक क्या करना है कि इसमें उसको रिक्वेस्ट सेंड करना है। मिसाल के तौर पर चलो मुदस्सिर नहीं आ रहा, तो हम इनाम भी लिख देते हैं, अपना नाम ही मैं लिख देता हूँ। देखो, मेरा ये चार्ट आ गया। मैं जो सबसे पहले ये आप लोग इसको रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आराम से लिख देंगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। वो आपको अगर उसने आपकी रिक्वेस्ट देख ली, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, सेम लाइक दिस वन। फिर ठीक है, आपने आराम से क्या करना है, आपने लंबा छोड़ा सा अपना एक मैसेज बनाना होगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों ने वही मैसेज इसी पर सेंड करना है, ठीक है। वो बस जो भी मैसेज आप लोगों ने सेंड करना है, लंबा छोड़ा सा लिख करके उसको सेंड कर दे। सेंड करने के बाद जो है ना वो पढ़ेगा, तो वो देखा, हाँ अगर वो इंटरेस्ट अगर हो तो आपसे ज़रूर अभी तक करेगा। हाँ बिल्कुल भाई, आप कहाँ से, आपसे बारे में पूछेगा कि कुछ भी नहीं पूछेगा, बस वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि भाई आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल मैं करता हूँ, बिल्कुल अदब के दायरे में आप उससे बात करनी है, बिल्कुल स्लो लहजे में। अगर आप लोगों को अंग्रेज़ी आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, अंग्रेज़ी नहीं आती उर्दू में भी आप बात कर सकते हैं। आर यू स्पीकिंग उर्दू, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, विच लैंग्वेज यू आर स्पीक, सबसे पहले आपने उससे ये बात करनी है। अगर वो उर्दू का निकला तो ये तो आपके चार चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो अगर इंटरेस्ट होगा तो आपसे वो ज़रूर अभी तक करके आपके साथ डिसाइड करेगा। फिर जो है ना आप लोग उनके साथ बता दीजिए कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड है, तो मैं इंशाल्लाह आपके बच्चों की क्लासें कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको वही बात साफ साफ बताऊँगा जो मैंने खुद अपने स्टूडेंट तलाश किए और मुझे मिले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी आमदनी आती है इससे, इतनी आमदनी आती है कि आपके जहन में भी नहीं होगा। आप घर बैठे बैठे आराम से जो है ना ये महीने के 40,000, 50,000, ये तो मैं आपको वही बताता हूँ कि जो आराम से आते हैं, सही है। बाद लोग इस तरह होते हैं कि वो ऑनलाइन टीचिंग करने से लाखों रुपए कमाते हैं, मैं आपको वही बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरा भी आमदनी इतनी ज़्यादा है। चलो इसके बारे इसको छोड़ो, मैं और कुछ नहीं बताता हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं आप मेरे लाइफ में आता है, ठीक है। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और दूसरे वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट के साथ फीस के बारे में किस तरह बात करते हैं, और उनके साथ बात करके उनके पेरेंट्स जो स्टूडेंट आपके पास है उनके पेरेंट्स से बात करके, और दूसरे स्टूडेंट से कैसे ले सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह अगला वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए किस तरह उसको वसूल करना है, किस तरह स्टूडेंट को अपने साथ वो करना मुतमिन करना कि ये मुझसे मेरे साथ पढ़े और मेरे साथ ना जाए। और सबसे पहले और आखिरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। अगर जिस किस्म का भी आप लोगों का इशू हो स्टूडेंट तलाश करने में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।